ये जोधपुर का रेलवे स्टेशन है दोस्तों। तो गाड़ी हमारी यहाँ पहुँच चुकी है, स्टेशन से चलते हैं। अभी घास मंडी के लिए जाना है, सबसे पहले चलते हैं। मेरे दोस्त का घर दिखाता हूँ आपको। तो ये क्लॉक टावर है यहाँ पे, ये सरदार मार्केट के पास बिल्कुल, और इसके पास में ही आपको दिखाता हूँ, ये मेरे फ्रेंड का घर है। घर के ऊपर से मेहरानगढ़ किला भी दिखाई देता है, अगर मोबाइल से जूम करते हैं तो बिल्कुल पास में ही है यहाँ से क्लॉक टावर भी और मेहरानगढ़ किला भी। तो ये देखिए सारे ब्लू घर हैं आसपास, इसीलिए जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। और नीचे टाइट टाइट गलियां हैं ये सारी। गूगल मैप से घास मंडी कैसे पहुंच सकते हैं, एक सीक्रेट दुकान का नाम बताऊंगा, एंड तक बने रहिए वीडियो के साथ। बहुत सारे दोस्तों ने मैप लोकेशन मांगी थी, तो ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ये घंटाघर है। घंटाघर से हम निकलेंगे नई सड़क पे, तो घंटाघर क्लॉक टावर से नई सड़क पर चलते जाइए। चलते चलते आगे आपको देखिए ये कट मिलेगा, जवाहर खन्ना रोड है ये। जवाहर खन्ना रोड की तरफ जाइए और यहाँ से आपको सर्च कर सकते हैं आप जनता गैस स्टोर। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ इसके साथ ही ये गली जा रही है अंदर, और ये खुला सा मैदान आप जो देख रहे हैं वो ये सारा वही एरिया है। तो ये तीर का निशान देख रहे हैं, इसी से मैं पिछली वीडियो से बाहर फिर घंटाघर की तरफ निकल गया था। तो ये जवाहर खन्ना रोड पे मेरी बाइक है और ये जनता गैस स्टोर है, आप वीडियो में देख सकते हैं, पिछली वीडियो में भी। तो चलते हैं यहाँ से, दिखाता हूँ आपको, मैप भी देखते जाइए साथ साथ, मैप पे तीर का निशान चल रहा है। तो ये गली में हम जैसे ही एंटर करेंगे, मैप पे भी देख सकते हैं, तो ये 2 मिनट में ये घर यहाँ से शुरू हो जाते हैं, बड़ी आसानी से आप यहाँ पहुँच जाएंगे। और ये जो देख रहे हैं आप मैप पे, जो डार्क कलर का ये दिख रहा है खुला एरिया, ये सब यही चौक है। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर आप पूछ सकते हैं। तो 2-3 और लोकेशन है गूगल मैप से सर्च करने के लिए, वो आगे बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देख। दोस्तों ये है मेहरानगढ़ किला, और इसे देखने के लिए कम से कम 3 घंटे चाहिए। ये ब्यूटीफुल है और यहाँ तोप भी रखी हुई है, और ये शीश महल तो एक बार जरूर देखना बनता है यहाँ से, और बहुत ही प्यारा किला है ये। और यहाँ से अभी हम चलते हैं जसवंत थाड़ा ये, और ये बनवाया था यहाँ के महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिताजी की याद में, 1899 में ये बना था, संगमरमर का, बहुत ही प्यारा ये जसवंत थाड़ा है। और यहाँ से अभी आपको दिखाते हैं मंडूर गार्डन ये, और बहुत ही प्यारा पार्क है ये। देखिए लंगूर यहाँ, मतलब घास मंडी की तरह, जैसे लंगूर के हाथ में अंगूर हो। तो बहुत ही सुंदर गार्डन है ये, ओल्ड एज मतलब बूढ़े यहाँ पे टाइम पास के लिए ताश खेलते रहते हैं। तो अभी चलते हैं हम यहाँ से, दिखाते हैं आपको बहुत ही प्यारा जो व्यू है, तोरजी का जालरा। तोरजी का जालरा बहुत ही फेमस है यहाँ, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और बहुत गहरा है ये। 1740 में क्वीन ने, महाराजा अबे सिंह की, बनवाया था ये। और कहते हैं कि पुराने समय में घर के लिए जो इस्तेमाल होता था पानी, यहीं से लेके जाती थी औरतें। और काफ़ी गहरा है यहाँ पे, खतरनाक हो सकता है डुबकी लगाना और तैरना, ऐसी कोई भी हरकत ना करें अगर घूमने आए हैं यहाँ पे। और ये रात का दृश्य दिखा रहा हूँ अपने दोस्त के घर के ऊपर से, तो रात को कैसा लगता है ये आसपास का जो एरिया है मेरे दोस्त के घर से। ये सामने मेहरानगढ़ किला भी, रात को कैसा लग रहा है देखिए लाइटिंग। और आपको दिखाता हूँ कि जो क्लॉक टावर है ये भी रात में कितना ब्यूटीफुल लगता है, पिंक लाइट्स है इनमें। और अभी आपको बताऊंगा एक सीक्रेट पॉइंट, जो दुकान का नाम, जहां से आप गूगल मैप से बड़ी आसानी के साथ घास मंडी पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हम जनता गैस स्टोर से चले थे, तो सीधा सीधा ये गलियों में आप चलते आएंगे। तो चलते चलते लास्ट में आपको दिखाता हूं एक दुकान का, बड़ा आसान सा नाम है, देखिए सामने जो। तो ये शॉप है पुष्पा टी एंड ट्रेडिंग कंपनी, इसी एरिया में है। इस दुकान की लोकेशन सर्च करके आप इस एरिया में पहुँच सकते हैं।